हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राष्ट्र की सुरक्षा भाजपा की पहली प्राथमिकता, सांसद दिया कुमारी। 18.60 करोड़ के रेल मकड़ा गिलूंड सड़क का किया शिलान्यास। करौली और दिल्ली हिंसा पर विपक्ष पर लगाई लतार। जिला कलेक्टर, सीईओ और एडीएम के साथ कलेक्ट्रेट में की बैठक। प्रवास के तीसरे दिन रेल मकड़ा पहुंची सांसद दिया कुमारी ने 18.7 करोड़ की CRIF में स्वीकृत रेल मगरा किलून सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा भाजपा की पहली प्राथमिकता है। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। देश गलत हाथों में चला गया तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। करौली हिंसा के बाद कल दिल्ली में हनुमान जयंती पर निकल रही शोभा यात्रा पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए सांसद दिया ने कहा कि जहां तहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां ना तो कानून व्यवस्थाएं हैं और ना ही कोई सुरक्षा। विपक्ष की जमकर बखिया उधेड़ते हुए सांसद ने कहा कि राजस्थान की सरकार पूरी तरह नाकाम सिद्ध हुई है। ना कानून है ना महिला सुरक्षा। अब ये सरकार चंद दिनों की है। 2023 में भाजपा पूरी बहुमत से सरकार बनाएगी। शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा कि रेल मगरा में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत 11 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे ताकि आम जन को शुद्ध पेयजल मिल सके, लेकिन राज्य की नाकारा सरकार केंद्र की विकासवादी योजनाओं को अपना बताकर झूठी वाहवाही लेने में तुली है। ये पैसा केंद्र सरकार का है और इसका श्रेय भी केंद्र सरकार को ही मिलना चाहिए। यहाँ पानी नहीं है, उसकी जिम्मेदार राज्य सरकार है क्योंकि वो अपने हिस्से का कार्य नहीं कर रही है, योजनाओं को रोक कर बैठी है। पीएम मोदी ने गरीब को गणेश मानकर अनेक ऐसी योजनाओं को शुरू की जिससे उसका भला हो सके। PMGCY के माध्यम से केंद्र सरकार ने गांव में सड़कों का जाल बिछाया है तो गरीब के लिए घर उपलब्ध करवाए हैं। 2023 के लिए कार्यकर्ताओं को किया आह्वान। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद दिया ने कहा कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष अपनी नाकामियों और विफलताओं को छुपाने के लिए आए दिन मोदी सरकार पर अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। उनको डर है कि उनकी सरकार कभी भी जा सकती है। सांसद ने कहा कि 2023 में भी भाजपा ने पूर्ण बहुमत वाली अच्छी सरकार दी थी और 2023 में भी भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को कमर कस के काम करना है, घर पर नहीं बैठना है। जनधन व अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को किया सम्मानित। सांसद दिया कुमारी ने नाथवा द्वारा विधानसभा की रेल मगरा CSC पहुंचकर जनधन व अन्य योजनाओं में लाभार्थियों को सम्मानित किया। CSC से मिलने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं से अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के बाद सांसद ने सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत श्रमिकों का सम्मान भी किया। जिला कलेक्टर, CEO और ADM के साथ की बैठक। सांसद दिया कुमारी ने 3 दिवस दौरे एवं जन सुनवाई में प्राप्त हुई समस्याओं के समाधान के लिए जिला कलेक्टर निलाब सक्सेना, CEO उत्साह चौधरी एवं ADM कुशल कोठारी से कलेक्टर कार्यालय में मुलाकात। बैठक में इको सेंसिटिव जोन निर्धारण की मीटिंग रखवाने, खारी फीडर चौड़ाईकरण की DPR जल्दी तैयार करवाने, DMFP में चल रहे कार्यों की प्रगति, उपली ओडन में स्वीकृत तलाई सौंदर्यकरण कार्य करवाने, पीपली आचार्य में खेतों में पानी भरा रहता है उसकी जांच करवाकर निकासी की उचित व्यवस्था करवाने, सांसद आदर्श गांव शिशोदा एवं ताल में विकास कार्य करवाने, गर्मियों में जहां पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पानी की सुव्यवस्था करवाने, रेल मंत्रा में कृषि विज्ञान केंद्र खुलवाए जाने हेतु भूमि के प्रस्ताव तैयार करवाकर राज्य सरकार को भेजने, रेल मंत्रा MSP क्रय केंद्र पर चना सरसों गेहूँ इत्यादि की खरीद चालू करवाने एवं अन्य समस्याओं समाधान पर चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ थे। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष मान सिंह बारहट, जिला प्रमुख रात्नी देवी जाट, विधायक दीप्ति माहेश्वरी, चतर सिंह राजावत,
महेश प्रताप सिंह सरपंच, आशा देवी जाट रेल मगरा मंडल अध्यक्ष, उदय लाल अहीर, गणेश पाली, मुकेश जोशी, माधव चौधरी, सुमेर सिंह झाला, अशोक रांका, गिरिराज सोनी, बोतलाल जाट, नंदलाल सिंघवी, जिला मंत्री हरदय लाल सिंह, रामलाल जाट, योगेंद्र सिंह, कैलाश चौधरी, निरंजन गर्ग, प्रहलाद जोशी, पदाधिकारी, कार्यकर्ता व ग्रामवासी मौजूद रहे। जागरूक टीवी की राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।